हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा लाइफ स्टाइल। तो ये मेरा करवा चौथ व्लॉग है। तो ये एक दिन पहले की क्लिप है जहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो एक दिन पहले मैंने वीडियो शूट करी थी, पर क्या था, मार्केट में बहुत रश था तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है इसमें। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है जहाँ पर मैं जो है रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हंस रही थी क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे को मंगलसूत्र पहना दिया था, इसलिए हम लोगों को हंसी आ रही थी। तो वो जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे ही मेरे को कॉपी करता है, तो वही करता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मंगलसूत्र पहन रही हूँ। चूड़ी वगैरह मैंने सुबह ही पहन ली थी, मॉर्निंग में बिछे वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि एक साल तक वही बिछे पहन रखते हैं। तो फिर मैंने बिछे वगैरह चेंज कर लिए, नेल पेंट वगैरह लगा ली थी, रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख लिया है। जो भी सामान हमें शाम को चाहिए पूजा के लिए वो मैंने सब एक जगह करके रख लिया है, जिससे कि शाम को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये थाली ली है जिसमें मैंने सारा श्रृंगार का सामान रखा है। जो भी हम श्रृंगार का सामान देते हैं वो सब मैंने इसमें रख दिया है। और बाकी जो मेरा ये थाल है ये भी रेडी है। तो ये सब मैंने एक जगह करके रख दिया है। और अब बस अब खाना वाना बनाना है, जल्दी से खाना वाना रेडी करना है। मैंने यहाँ पर खीर बना ली है, तरीके से मैंने खीर बनाई है। तो मेरा एक कुकिंग का चैनल भी है, अगर आपको मेरी खीर की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे कुकिंग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं कुकिंग चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाकर मेरे खीर को, जो मैंने खीर बनाई है, उसको चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर मैंने सारी कर दी है, बस पूड़ियाँ बनानी है पूजा के लिए, बस बाकी सब्जी वगैरह सब बन चुकी है। पूजा वगैरह की सारी तैयारी करनी है क्योंकि यहाँ पर चौकी मैंने लगा दी है, मगर अभी फूल माला वगैरह थोड़ा सा अभी आनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सही से करके फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी, जब मैंने आते ही पानी में थोड़ा हाथ दे लिया था तो मेरी मेहंदी इतनी डार्क नहीं लगी है क्योंकि मेरे को काम था, बच्चा भी छोटा है तो पानी वगैरह में तो हाथ दे ही दिया था। तो इससे थोड़ी सी डल लगी है, बट कोई नहीं। तो अब हम मिलते हैं रेडी होने के बाद। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, बस थोड़ी पूड़ी वगैरह बनानी है, उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैं रेडी होने के बाद में, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस मुझे पूजा वगैरह करनी है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैंने बालों में इस तरीके से गजरा लगाया हुआ है। तो मैंने बन बनाकर उसमें गजरा लगाया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा लुक ये पसंद आ रहा है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए ये लुक शेयर करूँगी। आप इसको वेडिंग वगैरह में किसी में भी फंक्शन में कर सकते हैं, ये का लुक है। तो मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। मैं पूजा करूंगी, पूजा का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ करवा चौथ की। तो जितना मेरे को आती है उतनी मैं कर रही हूँ विधि विधान से। बाकी यहाँ कोई मेरे यहाँ बड़ा बताने वाला है नहीं कि कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि मेरी सासू माँ भी अभी एक्सपायर हो गई थी अप्रैल में कोरोना की वजह से। तो मुझे जितना आता है उतना मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करवा पलट दूंगी क्योंकि सबसे पहले करवा पलटते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 7 बार पलटा जाता है इधर उधर करके, इसे मैं पलट लूंगी।
तो यहाँ पर मैं कहानी पढ़ रही हूँ। यहाँ पर करवा चौथ की जो कहानी होती है वो पढ़ी जाती है और गणेश जी की कहानी भी पढ़ते हैं, तो मैंने दोनों कहानी पढ़ ली है। उसके बाद जो है मैं जो है लाल कलर का टीका लगाऊंगी, कुमकुम जो है वो लगाऊंगी इस तरीके से। और जो भी हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, यहाँ पूड़ी की पूजा होती है, तो मैंने पूड़ी वगैरह जो है वो प्रसाद में पूड़ी खीर और केले वगैरह ले लिए थे, फल वगैरह, तो वही मैं इसमें भोग लगाऊंगी इस तरीके से। और मेरा बेटा भी जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करता है, वो भी कह रहा था मम्मी मेरे भी यहाँ पर ऐसे जो है। मैंने पूजा वगैरह कर ली है, बस अब जो है चंद्रमा का इंतजार है। बट बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो चंद्रमा भी पता नहीं कितने देर में आएंगे, कुछ नहीं पता क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। तो अब दिखाती हूँ आपको बाहर का क्या मौसम है। बाहर इस तरीके की बारिश हो रही है, इस तरीके से चंद्रमा का कुछ भी नहीं पता चल रहा है अभी, तो पता नहीं कब तक आएंगे, कुछ नहीं पता। आखिर कैसे बारिश हो रही है ना। तो यहाँ पर मैं जो है चंद्रमा की पूजा कर रही हूँ, तो चंद्रमा तो निकला था नहीं क्योंकि बारिश थी, तो उससे चंद्रमा नहीं निकला था। तो मैंने 11 बजे तक वेट किया था, फिर भी चंद्रमा नहीं निकला। तो मैंने आसपास देखा, सब लोगों ने पूजा कर ली थी 9 बजे ही, बट मैंने 11 बजे तक वेट किया। उसके बाद मैंने भी पूजा करके व्रत खोल लिया था। उसके बाद चंद्रमा निकल आया था 12-1 बजे के समथिंग, बट तब तक मैंने व्रत खोल लिया था। तो यहाँ पर क्या है, अपने पति देव को देख रही हूँ, पर चंद्रमा को। चंद्रमा तो निकला है नहीं, तो मैंने ऐसे ही व्रत खोल दिया है क्योंकि चंद्रमा का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है कि चंद्रमा निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही व्रत खोल दिया है। वैसे बहुत टाइम वेट किया मैंने कि चंद्रमा निकल जाएगा, क्योंकि 11:30 बज गए, 11:30 12, क्योंकि 12 बजे तक भी अभी तक चंद्रमा नहीं दिखा, तो मैंने उसके बाद व्रत खोल दिया है। बस अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, खाने का तो ज़्यादा कुछ मन नहीं है क्योंकि पूरे दिन नहीं कुछ खाते तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। तो हल्का बहुत पानी वगैरह पी के थोड़ा बहुत मीठा लेके हम व्रत को कर लेंगे। और आप लोगों के यहाँ कैसे रहा व्रत, आपके यहाँ भी बारिश हुई या क्या हुआ, आपके यहाँ मौसम कैसा था, चंद्रमा दिखा नहीं दिखा, मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर तो सब ऐसे ही था क्योंकि बस पूजा कर ली थी, पूजा तो मेरी हो गई थी 7-8 बजे, उसके बाद चंद्रमा नहीं निकला, वेट करा 9-10-11 ऐसे कर करके 11 बज गए, तो फिर लगा कि भाई अब नहीं निकलेगा, तब मैंने व्रत खोल दिया। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी वीडियो व्लॉग भी मैं इस चैनल पर व्लॉग भी शेयर करूंगी और हॉल भी आने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं हॉल की वीडियो लाने वाली हूँ। ज्वेलरी हॉल भी आने वाला है और सूट का हॉल भी आने वाला है, दिवाली स्पेशल, क्योंकि दिवाली आ रही है तो उसके भी कलेक्शन आने वाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाकी तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।